हेलो एवरीवन, आ गई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तो आज की रेसिपी है ये तवा पनीर मसाला, जो कि बहुत ही टेस्टी है और इसे आपने एक बार बना लिया तो बार बार ऐसे ही बना करके खाना पसंद करेंगे। तो चलिए इसे फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ले लेंगे पनीर। यहाँ पर मैं अपने घर का बना हुआ पनीर का इस्तेमाल कर रही हूँ और उसमें डाल रही हूँ दही। दही भी घर का है, पनीर भी घर का है। साथ में डाल रही हूँ सेंधा नमक और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, और इन सबको मिक्स करके रख देना है मैरिनेट होने के लिए थोड़ी देर के लिए। अब इधर एक पैन में ले लेते हैं तेल। यहाँ पर सरसों तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आपके पास जो ऑयल हो उसे डाल सकते हैं। उसके बाद तेज पत्ता और कुछ गरम मसाले डालने हैं और फिर बारीक कटा हुआ प्याज डाल करके इसे अच्छे से भून लेना है। प्याज जब अच्छे से भून जाए तब इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे भी भून लेना है। जब ये भून जाए तब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। साथ में नमक, हल्दी, जीरा, लाल मिर्च और गोलकी, थोड़ी सी गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया का पाउडर और थोड़ी सी सब्जी मसाला, इन सबको डाल करके थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे और अच्छे से इसे भून लेंगे। जब तक कि ऑयल ना सेपरेट होने लगे, इस तरह से आपको दिखेगा, तब तक आप इसे अच्छे से भून लें। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक टमाटर और 4-5 काजू को इसमें पेस्ट बना लिया है और साथ में 2 हरी मिर्च डाल दे रही हूँ। आपको जितना तीखा पसंद हो आप उतना डाल सकते हैं। अब बस इन सबको अच्छे से भून लेना है, जब तक कि ऑयल सेपरेट ना होने लगे, एकदम बढ़िया से इसे भूनना है। अब आप चाहे तो इसे ढक करके भी भून सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और मैं न्यू रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। तो यहाँ पर जो है मसाले अच्छे से भून चुके हैं, इसे थोड़ा और पकाना है जब तक इसका पानी जो है ख़त्म ना हो जाए। तो यहाँ देखिए अब जो है अच्छे से भून चुका है, ऑयल भी रिलीज़ हो गया है। अब यहाँ पर जो हमने मैरिनेट किया था पनीर को उसे इसमें डाल देना है और इसे भी अच्छे से भून लेना है। साथ में कसूरी मेथी भी डाल दे रही हूँ ताकि एक साथ सब पक जाए और इसका टेस्ट, फ्लेवर सब अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पे इसे अच्छे से भून लेना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तवा पनीर बोल करके मैं पैन में क्यों बना रही हूँ। तो पैन में भूनने में सुविधा होती है, इसीलिए मैंने इसे पहले पैन में बना लिया, बाद में इसे हम तवे पर ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो सबसे पहले मसालों को इसमें अच्छे से भून लेना है ताकि आपको वो सुविधा हो जाए। इसमें चलाते बनता है, इसमें आपके मसाले जो है गिरेंगे नहीं, तो इसलिए पहले पैन में भून लीजिए, उसके बाद हम तवे पे बनाएंगे। तो यहाँ पर जो मेरा तवा है वो कास्ट आयरन का तवा है, तो इसके बारे में लोग हमेशा ही पूछते रहते हैं कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है, उस तवे को कैसे सीजन करना है, ये भी बहुत सवाल आते रहते हैं। अभी देखिए यहाँ पर मसाले अच्छे से पक चुके हैं, तो जितनी ग्रेवी आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप पानी डाल करके इसे थोड़ी देर ढक करके पका लेंगे। तो मैंने यहाँ लगभग 1 कटोरी जितना पानी डाला है और इसे ढक करके पकने के लिए छोड़ दिया। लगभग 5 मिनट पके होंगे, उसके बाद देखिए कितना बढ़िया कलर इसमें आ चुका है। ये हमेशा स्लो फ्लेम पे आप जब इस तरह से पकाएंगे तभी इस तरह से कलर आएगा। अब यहाँ पर मैंने तवे को ले लिया है और ये वही कास्ट आयरन का तवा है जिसके बारे में लोग पूछते रहते हैं। इसकी वीडियो मैंने डाल रखी है कि कैसे सीजनिंग करनी है, तो मैं इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से इसे चेक कर लीजिएगा और इसे देख लीजिएगा। ये तवा अभी तक बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है, अभी तक इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। इसके बाद इस पर डोसा वगैरह बहुत ही बढ़िया बनता है और आज मैं इस पर पनीर की ये सब्जी बना रही हूँ। तो सबसे पहले जो है बटर को मैंने डाल दिया और इसमें शाही जीरा डाल दिया। अब कटे हुए प्याज, टमाटर और हरी शिमला मिर्च डाल दें और इसे थोड़ी देर सौते कर लें। इसमें थोड़ी सी नमक भी डाल दें ताकि इसमें जो क्रंच है वो बना रहे और नमकीन भी हो जाए, वरना ये फीका सा लगेगा। तो नमक डाल देना है और इसे बहुत नहीं पकाना है, इसका क्रंच बना रहने देना है। अब बताते हैं कास्ट आयरन तवा को आपको रखना कैसे है। जब भी आप इसे यूज़ कर ले उसके बाद इसे अच्छे से धो करके इसमें जो है ऑयल लगा करके रखें, तो इससे जो है इसकी सेल्फ टाइम जो है, लाइफ जो है बढ़ जाती है। अभी यहाँ देखिए ये भुन चुका है अच्छे से, प्याज और शिमला मिर्च, टमाटर, सब कुछ। तो अब यहाँ पर मैंने जो हमने पनीर की सब्ज़ी बना रखी है उसे इसमें डाल देना है और इसके बाद इसमें 2-3 मिनट अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे।
ताकि जो हमारी तवा वाली टेस्ट है वो आ जाएगी। तो इस पर अच्छे से इसे पकाना है। और एक बात बताती हूँ, अगर आप कास्ट आयरन तवे का इस्तेमाल बराबर करते रहते हैं तो ये सीज़न रहता है, इसे इसमें आप कुछ भी फिर पकाएंगे तो बहुत ही अच्छे से पकता है, वो चिपकता नहीं है ज़्यादा करके। पर अगर आप बहुत दिन बाद इसमें कुछ बनाते हैं तो वो थोड़ा चिपकता है, तो उसके लिए आपको इसे सबसे पहले बहुत गर्म कर लेना है, उसमें ऑयल भी डाल देना है ताकि वो अच्छे से हीट हो जाए और इसके ऑयल जो है सारे जगह पे फैल जाए। उसके बाद इसे फिर ठंडा करना है, धो लेना है, फिर से उसे यूज़ करना है। तो ऐसा करने के बाद आपका जो तवा है वो एकदम नॉनस्टिक की तरह काम करेगा, इसमें डोसा या चीला या जो भी बनाएंगे वो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो इस तरह से मैं तो हमेशा बनाती हूँ और मेरे बेटे को बहुत ही पसंद आता है। आज मैंने सोचा कि इस तवे पर मैं कुछ अनोखा चीज़ ट्राई करूँ, तो मैंने सबसे पहले ये तवा पनीर मसाला ट्राई किया है, बहुत ही अच्छा बना है। और एक टिप देती हूँ कि जब भी आप कास्ट आयरन तवा को अगर आप हीट करके इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो बीच बीच में कभी कभी इस पर चपाती बना लीजिए, पराठे बना लीजिए, उससे भी इसकी जो है सीजनिंग हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने तवा पनीर के साथ साथ आपको कैसे इस तवा को मेंटेन करके रखना है, कैसे सीजन करना है वो भी बता दिया। तो यहाँ पर जो है हमारी तवा पनीर रेडी है। अब इससे हरे धनिए से आप गार्निश कीजिए। थोड़ी सी अगर ये चिपक चिपक के बनती है तो और भी अच्छी बनती है, पर मुझे ग्रेवी चाहिए थी इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं इसे ड्राई किया, चिपकने तक इसे नहीं पकाया है। अगर आपको पसंद हो तो आप इस तरह से इसे पका सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ी ग्रेवी रखी है क्योंकि मुझे ग्रेवी वाली पसंद आती है। तो ये सब्जी हमारी बनकर के तैयार है, इतनी टेस्टी बनी है कि इसके सामने रेस्टोरेंट भी फेल है, कोई ढाबा भी फेल है, सब फेल है जब आप इसे अपने घर पे बना करके खाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, मेरे घर में ये सबको बहुत पसंद आई, सभी ने इसकी बहुत तारीफ करी है, बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी। और आप इसे रोटी चावल जिसके साथ खाना चाहते हैं खा सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।